Hello, namaste friends. Welcome to Usharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make mushroom pulao. आज हम बनाएंगे मशरूम पुलाव. इसके लिए हमने लिया है इंग्रेडिएंट्स, इधर रखा है. देखिए, आधा किलो मशरूम, आधा किलो चावल. मशरूम चावल बराबर होना चाहिए. ये वाइट मशरूम है, सफ़ेद मशरूम. सो ऑनियन लीव्स, जो फ्रेश ऑनियन होता है उसका पत्ता 50 ग्राम लिया है, कट कर कर रखा है. सो इधर ऑनियन, एक मीडियम साइज ऑनियन, एक मीडियम साइज टमाटर 50-50 ग्राम. सो चार हरी मिर्च, पीसा हुआ अदरक लहसुन एक एक टेबलस्पून, और इधर एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून हल्दी, कड़ी पत्ता चार पाँच, दालचीनी एक, इलायची एक, 50 ग्राम तेल, 50 से कम होगा ये तेल, और स्वाद अनुसार नमक. सो आइए आज हम बनाएंगे मशरूम पुलाव. बहुत ही टेस्ट है, अच्छा लगेगा. सो हम शुरू करते हैं अभी मशरूम पुलाव. सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे गैस में. कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाल देंगे. तेल हमारा गर्म हो गया. इसमें जो मसाला रखा है, कड़ी पत्ता, दालचीनी, इलायची डाल दिया. थोड़ा लाइट ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे इसको. अभी हम सबसे पहले लहसुन और अदरक का डाल देंगे. लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे इसको. अभी ब्राउन हो चुका है, अभी ऑनियन डाल देंगे. ऑनियन डाल के एक राउंड घुमा कर फिर उसमें टमाटर भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे एक साथ. बस अभी इसको लाइट सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे. ये सारा लाइट ब्राउन हो चुका है. इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे. अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दिया. सो अभी इसमें मसाला डालेंगे. मसाला भी मिक्स होकर अच्छी तरह कुक होने देंगे. फिर इसी में हमारा मशरूम भी डालेंगे. थोड़ा से और दो मिनट फ्राई होने देंगे इसको. अभी तो नमक डाला है ना, नमक ऑनियन में मिक्स होने दे. सो हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. अभी इसमें मशरूम डालेंगे, है ना. मशरूम डालकर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करेंगे. तड़का का साथ मशरूम मिक्स हो जाए. मशरूम आधा किलो लिया हमने, आधा किलो है ना, वो 200 ग्राम बन जाएगा मशरूम. मशरूम सूख कर मसाला का साथ कुक होकर 200 ग्राम बन जाएगा. फिर चावल के साथ अच्छा भी लगेगा. सो इसको कुक होने देते. तो अभी देखिए हमारा ये मसाला अच्छी तरह बन गया है. अभी इसको मिक्स कर कर देखेंगे. बन गया है, इसको ढक्कन लगा कर इसी में जो ऑनियन लीव्स था वो डाल देंगे. ऑनियन लीव्स डालकर और एक बार एक राउंड घुमा लेंगे इसको. इसको मिक्स किया है. अभी एकदम जो इसमें हम पानी नहीं डाला, जो मशरूम में पानी था वही मसाला के साथ मिक्स होकर अच्छी तरह कुक हो गया है. सो इसमें तेल निकल कर आया. अभी इसको गैस को बंद करेंगे. सबसे पहले हम चावल को आधा कुक कर कर निकालेंगे. ये सबसे मैंने चावल वॉश कर कर रखा है. अभी चावल को इसमें डाल देंगे. पाँच मिनट, सिर्फ पाँच मिनट चावल को गर्म पानी में डालकर फिल्टर करना है, बस इतना ही है. ये इसलिए डाल रही हूँ, स्ट्राइटली हम मसाला में डालकर पका सकते हैं. कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसलिए हम इसमें पाँच मिनट डाल के ऐसे फिल्टर करके फिर उसमें डालेंगे. अच्छा भी है, जो चावल का अगर फैट होता है वो बोलते हैं उनके लिए भी सही है. जो फैट है ये इसमें पानी में निकल जाएगा. सो इसको पाँच मिनट अभी कुक कर कर निकालेंगे. सो अभी चावल देखिए, हम इसको उबालने नहीं दिया. अभी मैं पाँच मिनट गरम अच्छी तरह उबाला हुआ पानी में पाँच मिनट डाला. अभी फिल्टर कर दूंगी. अभी देखिए मैं चावल आधा पका कर लिया है. अभी चावल को इसी तड़का में डाल देंगे. डाल के हम पानी नहीं डालेंगे, जो अंदर है पानी इसमें मसाला में उसी में ही हम मिक्स करके इसको रख देंगे. 20 से 25 मिनट इसमें इसको दम में लगाएंगे. सो हमने लाइट सा इसको मिक्स किया है. अभी दम में डाल देंगे.
सो बन गया है हमारा मशरूम पुलाव, बहुत ही अच्छा बना। आप भी बनाकर देखिए, देखिए बहुत अच्छा बना, सही बन गया है। 20 से 25 मिनट हमने रखा है, इस तरह एकदम अच्छा बना है। आप भी बनाकर देखिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम आपको मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।